संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणारविंदों में अनंता अनंत बार प्रणाम। परम वैष्णव वैष्णव जगत के उदीयमान नक्षत्र वात्सल्य मूर्ति संत राजीव लोचन दास आज के इस दिव्य राम कथा मंच पर मुख्य आतिथ्य की भूमिका में विराजित हैं। जबलपुर समीपस्थ नर्मदा भूखंड से पधारे हुए पंडित श्री रेवाराम शास्त्री, अभी जिनकी पीयूष वर्षिणी वाणी से श्रीमद् भागवत की कथा आप सब श्रवण कर रहे थे, बाल विदुषी मानस पुष्पांजलि जी, सनिधाम समिति के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण, यज्ञ के सभी सहयोगी गण, उपस्थित श्रद्धालुजन, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, राष्ट्रीय उपवन के फूलते फलते नौनिहाल बालक बालिकाओं, यज्ञ में जो बच्चे सेवा में लगे हुए हैं, रात दिन मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, उन बच्चों को भी हृदय से आशीर्वाद देकर के प्रोत्साहित कर रहा हूँ विशेष रूप से, क्योंकि वो बच्चे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन सेवा में लगे हुए हैं, सेवा ही उनका परम लक्ष्य है, इसलिए वो विशेष आशीर्वाद के पात्र हैं। खास तौर से वैदिक विद्वानों के श्रृंखला में यज्ञाचारी और उनके सभी सहयोगी विद्वान भी बहुत ही प्रयास और परिश्रम के साथ अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार यज्ञ को विधिपूर्वक संपन्न कराने में अपनी महती भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भी आशीर्वाद। संगीत में वाद्य यंत्रों पर अपनी विशेष प्रस्तुति दे रहे हैं समस्त संगीतकार बंधु, आओ हम लोग भगवान का नाम ले लें। भगवान का नाम लेना बहुत अनिवार्य है, बिना भगवान के नाम के हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता है, इसलिए राम और राम का नाम ये परम आवश्यक है, इसलिए हम सभी भगवान का नाम लें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज
दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय जय विपति हरण हनुमान जय जय विपति हरण हनुमान जय जय मंगल करण हनुमान जय जय मंगल करण हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम हनुमान जी महाराज की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय उपस्थित महान भाव समग्र श्रद्धालु जनों हम नित्य की भांति राम कथा के अंतर्गत उन प्रसंगों को श्रवण कर रहे हैं जो प्रसंग हमारे व्यक्तिगत जीवन का तो हित करते ही हैं लेकिन वो संपूर्ण राष्ट्र का हित करते हैं। राष्ट्र कल्याणार्थ विश्व कल्याणार्थ विश्व में केवल पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सबके कल्याणार्थ। पाकिस्तान के कल्याण की बात, पाकिस्तान तो आतंकवादियों का देश है ना, इसलिए हम पाकिस्तान के आतंकवादियों के विनाश के लिए भी एक एक आहुति यज्ञ में नित्य डाल रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों का विनाश हो। देखें आप, चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ श्री राम जी को बुला रहे हैं और एक ही बात कहते हैं कि राम ठीक है तुम्हें 14 साल के लिए वन जाना ही है अथवा वन में रहना ही है, तो मेरे प्राण निकल रहे हैं, तुम मृत्यु के समय एक क्षण के लिए मेरे सामने आ जाओ, बस मैं वाणी से तुम्हारा नाम तो ले ही रहा हूं लेकिन एक क्षण तुम्हारा दर्शन भी करना चाहता हूं, मेरी इच्छा है तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन आपको मालूम है भगवान श्री राम क्या मृत्यु के क्षण
चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ के समक्ष आए? नहीं आए, नहीं आए, क्योंकि दशरथ जी महाराज से धोखे से ही एक अपराध हुआ। जानबूझकर के नहीं किया उन्होंने, अनजाने में, जाने में नहीं, अनजाने में। मैं कहता हूं सनातन धर्म के लिए जो समर्पित है, राष्ट्र के लिए जो समर्पित है, जो गौ ब्राह्मण यज्ञ की रक्षा के लिए समर्पित है, अगर धोखे से ही उसका वध हो जाए तो कितना बड़ा अपराध है। उन आतंकवादियों से मैं कहना चाहता हूं, महाराज श्री दशरथ जैसा धर्मवान इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। तीन काल त्रिभुवन जग माही, भूरि भाग्य दशरथ सम नाही। और इतने बड़े भक्त हैं महाराज श्री दशरथ, गौ भक्त हैं, विप्र भक्त हैं, संत भक्त हैं। महाराज श्री दशरथ के यहां यज्ञ होता है, दशरथ जी के यहां गौशालाएं खुली हुई हैं, करोड़ों करोड़ों गौओं का प्रतिपाल होता है, ऐसे गौ भक्त हैं महाराज श्री दशरथ। लेकिन अनजाने में धोखे से श्रवण का वध हो गया है, इसलिए आज महाराज श्री दशरथ राम को बुला रहे हैं कि मेरे सामने राम आ जाओ, मृत्यु का क्षण है मेरा। लेकिन राम जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बार बार उन्हें श्रवण की लाश दिखाई दे रही है और अंधी अंधा का श्राप सुनाई दे रहा है। इसलिए तापस अंध श्राप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। रो रहे हैं महाराज दशरथ, क्योंकि सबसे बड़ा गौ भक्त था श्रवण कुमार, मातृ पितृ भक्त था। जो मातृ पितृ भक्त होंगे वही गौ भक्त बन पाएंगे, सुन लो मेरी बात को। क्योंकि मातृ पितृ भक्ति से ही परमात्मा प्रसन्न होता है, और जिसके मन में मातृ पितृ भक्ति करने की भावना होगी वही गौ भक्ति करेगा, और गौ भक्ति करने वाला ही राष्ट्र भक्ति करेगा। सबसे बड़ा मातृ पितृ भक्त है श्रवण कुमार। आपको मालूम है, रामायण पढ़ते हो, रामायण सुनते भी हो, जमीन पर महाराज श्री दशरथ पड़े हैं, कौशल्या जी ने उठाया हाथों से और अपनी गोद में लिटा लिया। कौशल्या की गोद में महाराज श्री दशरथ लेटे हुए हैं मृत्यु के क्षण। मैं आपसे कहता हूं, इतनी तपस्या की महाराज ने, इतना पुण्य अर्जित किया, स्वयं ब्रह्म निर्गुण है लेकिन उसको सगुण बना करके धरित्री पर उतार दिया। उतारा कि नहीं? ये साधारण बात नहीं है, ये साधारण तपस्वी नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। जन्म जन्मांतरों तक योगेंद्र मुनेन्द्र हंस परम हंस अम्लात्मा बिमलात्मा ये अनंत वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन अंतराम कहीं आवत नहीं। यहां तो दशरथ जी को भगवान राम बेटे के रूप में मिले, ब्रह्म बेटे के रूप में मिला, लेकिन धोखे से एक अपराध हो गया प्यारे, धोखे से। पश्चाताप बहुत है, बहुत पश्चाताप है, बार बार यही पश्चाताप कर रहे हैं कि धोखे से अपराध हुआ, मैंने अनजाने में यह भूल की है, अगर मैं जान लेता तो कभी ऐसी भूल हो नहीं सकती थी, लेकिन भूल हुई है। अब इसका प्राश्चित यही है
कि राम 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 कहो, और राम 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 करते हुए जहां कर्म ले जाएगा वहां जाओ, और वहां से परमात्मा की लीला का दर्शन करो, परमात्मा की लीला का दर्शन करो। या तो अपराध नाम जब से कटता है, चार भगवान के स्वरूप हैं, नाम रूप लीला और धाम। महाराज श्री दशरथ ने नाम से प्राश्चित किया, नाम जप करके। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, नाम जप करके महाराज श्री दशरथ ने प्राश्चित किया श्रवण वध का। इसके बाद अयोध्या धाम में रहकर, भगवान के धाम में रहकर श्रवण कुमार के वध का प्राश्चित किया। आपको मालूम होना चाहिए, भगवान का रूप का दर्शन करके महाराज श्री दशरथ ने श्रवण वध का प्राश्चित किया। लेकिन भगवान कहते हैं अभी पूर्णता नहीं है, क्योंकि नाम जप किया आपने, धाम में निवास किया आपने, मेरे रूप का भी दर्शन आपने किया, लेकिन जब तक 14 वर्ष की लीला का दर्शन नहीं कर लोगे तब तक पिताश्री आपको शांति मिलने वाली नहीं है। और बोलो, हमारा श्री दशरथ ने स्वर्ग में बैठ करके भगवान की पूरी लीला 14 वर्ष तक चली, बोलो देखा कि नहीं देखा उस लीला को? देखा। हाँ, इसलिए भगवान के चार रूप हैं, नाम रूप लीला और धाम। ये चार विग्रह, इनको चतुष्विग्रह कहते हैं, ये भगवान के चार विग्रह हैं। तो दशरथ जी महाराज बार बार राम जी को बुला रहे हैं। आप जानते हो, रामायण सुनते हो, राम जी दशरथ जी के पास नहीं जा रहे हैं मृत्यु के समय, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? गिद्धराज जटायु के पास जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं? गिद्धराज जटायु के पास जा रहे हैं, क्योंकि जटायु भी मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर रहा है, और दशरथ जी महाराज भी मृत्यु के समय राम का स्मरण कर रहे हैं। बोलो, कर रहे हैं कि नहीं? जटायु जी भी राम जी के नाम का स्मरण कर रहे हैं और राम का भी स्मरण कर रहे हैं। एक बड़ा सुंदर भाव है, बोले जटायु जी राम के नाम का स्मरण कर रहे हैं। तुलसीदास जी से पूछा, मैं स्पष्टीकरण दिए देता हूं, कह सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। राम चरण चिन्ह रेखा, राम जी के नाम का नहीं, राम जी के चरण का नहीं, बल्कि राम जी के चरण में जो रेखाएं हैं उनका ध्यान कर रहे हैं। दशरथ जी महाराज किसका ध्यान कर रहे हैं? राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन पर हर रघुवर विरह, राव गयउ सुर धाम। राम 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 राम। लेकिन जटायु जी तो सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। राम जी के चरण में चिन्हित जो रेखाएं हैं उनका स्मरण कर रहे हैं गिद्धराज जटायु जी। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा कि गिद्धराज जी महाराज, आप राम का नाम नहीं ले रहे हैं। गिद्धराज जी ने कहा, जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं सब राम 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 कह रहे हैं, अब गुंजाइश ही नहीं मिल पा रही है कि कहां से हम राम 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 कहें। अच्छा, तो राम जी के चरण का ध्यान करो। गिद्धराज जी ने कहा, भगवान राम के चरण में इतनी भीड़ लगी है, इतनी भीड़ लगी है कि पद राजीव बरन नहीं जाही,
ओ मुनि मन मधुप वसै जिन माही। जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं सब भगवान के श्री चरण में हैं, अब जगह खाली नहीं है तो क्या करें। फिर तो राम जी के चरण में जो रज है उसका ध्यान करो, जो रज है। गीतराज जटायु ने कहा रज के लिए प्रयास किया था, लेकिन समस्या यह है कि जैसे ही रज के लिए प्रयास किया तो अहिल्या पहले ही से डिमांड कर रही थी कि चरण कमल रज चाहती। अहिल्या पहले से ही डिमांड कर रही थी कि चरण कमल रज चाहती, हे प्रभु मुझे रज चाहिए, रज चाहिए, रज चाहिए। तो अहिल्या जी ने रज ले ली। अरे तो रज ले ली, लेकिन थोड़ी सी रज तुम भी ले लेते उसी में से, सब सारी रज ले ली, क्या कुछ रज बची नहीं थी। जटायु जी ने कहा रज तो बची थी और मैं सोच ही रहा था कि जो बची हुई रज है उसको मैं ले लूंगा, लेकिन जैसे ही अहिल्या जी के पास से अयोध्या पहुंचे, अयोध्या के बाद फिर भगवान गंगा के तट पर पहुंचे, तो जो रज बची थी गंगा के घाट पर केवट ने धोके पी ली, पूरी रजई धोके पी गया वो। अब मैंने सोचा कि रज भी केवट जैसे भक्त ने नहीं बचने दी, तब मैंने ध्यान किया कि जगह कहाँ है, बस रेखाएं खाली थी, रेखाएं खाली थी। इसलिए सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। जटायु जी ने कहा कि मैं तो भगवान के श्री चरण में जो रेखाएं हैं उनका ध्यान कर रहा हूं, बस उन्हीं में जगह मिल जावे। लेकिन दृश्य क्या है प्यारे, दृश्य यह है कि भगवान राम ने जटायु जी को केवल उठाया नहीं था हाथों से, बल्कि अंत्येष्टि भी की अपने हाथों से, की कि नहीं की। और धरती पर अंत्येष्टि नहीं हुई प्यारे, गीधराज जटायु को हाथ में लिया भगवान ने, और जैसे ही भगवान ने हाथ में लिया तो याद रखना जटायु को मुक्ति नहीं मिली, फिर क्या मिला, बोले जैसे ही भगवान नारायण ने हाथ में लिया उसी समय जटायु को भगवान का रूप मिल गया, विष्णु रूप में वो प्रकट हो गया। सोचो जरा, विचार करना, ये किसकी परिणति है, राष्ट्रभक्ति की परिणति है ये। कल भी मैंने राष्ट्रभक्ति पर परिचर्चा की थी, परसों भी मैंने राष्ट्रभक्ति पर परिचर्चा की थी, गौ भक्ति और राष्ट्रभक्ति के कल्याण के लिए। राष्ट्रभक्ति और गौ भक्ति से ओतप्रोत जीवन जीव का होना चाहिए, व्यक्ति का होना चाहिए, इस पर ही परिचर्चा चल रही है। राष्ट्रभक्त है कौन, गीधराज जटायु। गीध है, सड़ा मांस खाता है, पक्षी योनि में, खग योनि में है। किस योनि में है, खग योनि में। हमारे यहां एक खग योनि होती है ना, खग योनि में है, उसे हम ये नहीं कह सकते कि पशु योनि, खग योनि। गीध अधम खग आमिष भोगी, ये खग है, पक्षी है, और सड़ा मांस खाता है। शरीर कैसा है, जरठ, बिल्कुल जर्जर शरीर हो गया उसका। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए देश की अस्मिता की रक्षा करने के लिए, बहन बेटियों की अस्मिता की रक्षा करने के लिए, बोलो प्राणों की कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि नहीं। सोचो जरा, विचार करो, तैयार है कि नहीं, पूरी तरह से तैयार है। और केवल वियोग में प्राण नहीं छोड़ना चाहता है, दशरथ जी तो राम के वियोग में प्राण छोड़ना चाहते हैं, लेकिन गीधराज जटायु तो संघर्ष करते हुए, देश और संस्कृति की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलिदानी देना चाहता है। इसलिए
वो कुछ कर गुजर करके ही प्राणांत करना चाहता है, केवल रोते हुए विरह में वियोग में ही प्राण नहीं छोड़ना चाहता है। सुन लो मेरी बात को, आज हम पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ें, आज हम संपत्ति के वियोग में प्राण छोड़ें रोते रोते, व्यापार में घाटा लग जावे तो रोते रोते प्राण छोड़ें, या चुनाव में हार जावे तो हम रोते रोते प्राण छोड़ें, ये सार्थकता नहीं है। सार्थकता इसी में है कि राष्ट्र के ऊपर संकट आवे, गौ माता के ऊपर संकट आवे, यज्ञ के ऊपर संकट आवे तो उसकी रक्षा करते करते प्राण का परित्याग करें, यह भावना होनी चाहिए, यह संकल्प तुम्हारा होना चाहिए। कुछ करो गौ माता के लिए, यज्ञ के लिए, भारत के लिए, अपने राष्ट्र को अक्षुण्ण बनाने के लिए कुछ करो। आलसी प्रमादी उन्मादी बनकर के जीवन व्यतीत मत करो, पृथ्वी का भार बन करके अपनी जिंदगी को न्यस्त नाबूत मत करो, कुछ करो, राष्ट्र के लिए करो, गौ माता के लिए करो, धर्म के लिए करो। आज हम कर्म का संदेश देने के लिए इस मंच पर बैठे हुए हैं और तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं। गीधराज जटायु में और दशरथ जी में इतना ही अंतर है, पुत्र क्या करता है, पिता की अंत्येष्टि करता है। पुत्र क्या करता है, अपने हाथों से पिता की अंत्येष्टि करता है। हमारी तरफ मुखातिव रहना, हमको देखना, किसको देख रहे हो, टेंट पंडाल को देख रहे हो क्या है? ये मोटर गाड़ियों को देख रहे हो है? इन मोटर गाड़ियों को देख के या इधर उधर देख के कल्याण कर लोगे? कल्याण के लिए जब मेरा स्वरूप इस मंच पर रखा हुआ है, हम बैठे हुए हैं, बोलो बैठे हैं कि नहीं, किसके लिए बैठे हैं? तुम्हारा कल्याण करने के लिए। वो कल्याण हम इस शरीर से नहीं कर रहे हैं, हम अपनी वाणी से कर रहे हैं, और हमारी वाणी इसलिए आपके कल्याण के लिए संकल्पित है क्योंकि मेरी वाणी नहीं है, ये तो कामदगिर भगवान की वाणी है। जैसा वो कहलवा रहे हैं वैसा मैं कह रहा हूं। इसलिए बिल्कुल मन की एकाग्रता होनी चाहिए। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, साधारण शब्द नहीं है मेरा। दशरथ जी महाराज राम के वियोग में राम को पुत्र मान करके राम के वियोग में प्राण छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हैं कि नहीं, यही मानना पड़ेगा कि मेरा पुत्र चला गया, मेरा पुत्र चला गया, मेरा पुत्र चला गया। पुत्र मान करके वियोग में प्राण छोड़ रहे हैं, लेकिन गीधराज जटायु इसलिए प्राण छोड़ना चाहते हैं कि मैं अपने पुत्री की रक्षा करने का संकल्प तो लिया था लेकिन मैं अपने पुत्री को की रक्षा नहीं कर पाया और रावण को मैं मृत्यु के कगार पर नहीं पहुंचा पाया। इस बात का अफसोस है, मैं रावण को मृत्यु के कगार पर नहीं पहुंचा पाया, ये अफसोस है। संकल्प लेके चला था कि आज मैं रावण का समूल नष्ट करूंगा, लेकिन अफसोस है कि रावण चला गया। आप जानते हो प्रत्येक पिता चाहता है कि मेरा पुत्र अपने हाथों से मेरी अंत्येष्टि करे, लेकिन दशरथ जी को यह सौभाग्य मिल पाया क्या? नहीं मिला। लेकिन गीधराज जटायु को भगवान ने गीध के पास पहुंचकर उससे पिता बनाया। बोलो क्या बनाया? पिता बनाया। और पिता ही नहीं बनाया बल्कि परम बड़भागी गीधराज जी से भगवान बार बार कह रहे हैं कि हे पिताश्री, आपकी सेवा करने के लिए मैं आया हूं, आप मेरे लिए जीवित रहें, मेरे लिए, मेरे जान तात कछुक दिन जीजे, मेरे जान तात
छुक दिन जीजे लीजिए आप सुवन सेवा सुख मोहे पितु को सुख दीजे लीजिए आप सुवन सेवा सुख मोहि पितु को सुख दीजे। आप मुझे पुत्र मान लीजिए, मैंने आपको पिता मान लिया है, लेकिन आप मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार करिए। महाराज दशरथ ने भी निर्गुण ब्रह्म को